हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में, जिससे यूज़ करके आप शेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास चार मैंने टूल डिफरेंट टूल रखे हैं। ये चारों आप शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉटन, फिर है ब्रशेस, फिर है एयर बर्ड्स और फिर है ब्लेंडिंग स्ट्रक। ये चारों आप ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं शेडिंग करने के लिए। एक एक करके मैं आपको ये चारों का यूज़ करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किसे आप कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लेंडिंग स्टंप यूज़ करके दिखाऊंगा। ये आप अमेजोन से या ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये टोटल 5 स्टंप होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 1, नंबरिंग की हुई है। ये 2, 3, 4 और 5। ये आप तीन चारों पाँचों यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। अब सेम मैं यहाँ पर पहले मैंने बी पेंसिल का यूज़ किया, अब एक 2B का यूज़ करूँगा और यहाँ ब्लेंड इसके साथ ही शेड करूँगा। फिर आपको ये कंबाइन करके दिखाऊँगा कि कैसे होती है। मैं यहाँ पर और डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, या मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए आपको देखना है कि यहाँ पर ब्लेंडिंग कितनी अच्छी होती है। ब्लेंडिंग स्टंप से आप देख सकते हैं वो स्मूथ ब्लेंडिंग होती है इनसे। देखिए डिफरेंट शेड्स की पेंसिल थी, वो कैसे एक कंबाइन हो गई है। बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग होती है ब्लेंडिंग से। बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ, मगर मैं सिर्फ स्मॉल्स वाले यूज़ करता हूँ। हायर बिगर वन मैं यूज़ नहीं करता। आप स्मॉल वाले यूज़ करते हैं, जैसे आइस में आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट लाइट एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने लाइन ड्रॉ की है। अब इसे ब्लेंड करने के लिए आप स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको साइड पर शेड मिल जाएगी। देखिए काफ़ी स्मूथ होती है, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग है। आप चाहे तो ये और चीप भी हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन और काफ़ी अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पर आपको एयरबड का यूज़ करके दिखाऊँगा। ये आप इज़िली मार्केट से बाय कर सकते हो, काफ़ी चीप होते हैं, आसानी से आपको कहीं भी मिल जाए। सबके घर में ही होते हैं। मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी स्मूथ शेडिंग हो रही है इनसे भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। और मैं बेसिकली मुझे ये सबसे अच्छे लगते हैं।
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। आप देख सकते हैं डिफरेंट शेड की पेंसिल थी, आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये बी थी और ये 2B थी और ये 4B थी। आप देख सकते हैं कितने स्मूथली ये ब्लेंड हो गए हुए हैं यहाँ की। या जबकि आप ब्लेंडिंग स्टम्प से देख सकते हैं ये काफ़ी अलग दिख रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प में क्या होता है आपका प्रेशर जो होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आपका प्रेशर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है और काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। बेसिकली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, छोट स्मॉल एरियाज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको तीसरा ब्लेंडिंग टूल दिखाता हूँ। यहाँ तीसरा है एयर ब्रशेज, ये भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ज़्यादा महंगे नहीं है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है इनसे भी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है इनसे, और कंबाइंड भी कलर कितने अच्छे हुए हैं। यहाँ पर भी मैंने सेम वैसे ही यूज़ किया है, ये बी शेड थी, ये 2B था और ये 4B था, और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। काफ़ी अच्छे हैं और इजीली अवेलेबल हैं आपको, और आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको फोर्थ वन दिखाता हूँ। यहाँ पर फोर्थ वन है कॉटन, ये भी इजीली आपको मिल जाएगा, हर घर में होता है। वो मैं इसे शेडिंग करके दिखाता हूँ और एंड में मैं आपको सब कंपेयर करके दिखाऊंगा चारों को एक साथ। देखिए आपने हल्का सा लेना है, इसे फोल्ड कर कीजिए और ये ऊपर उसके कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। सेम यहाँ पर मैंने बी 2B और 4B का यूज़ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टेम्प्स का यूज़ किया था, यहाँ पर मैंने एयर बर्ड्स का यूज़ किया था, यहाँ पर ब्रशेस का, और यहाँ पर कॉटन का। इससे क्या देखिए ब्लेंडिंग स्टम्स काफ़ी इजीली ब्लेंड कर दिया और काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है, और इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगते ब्लेंडिंग स्टम्स, मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ इनको। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको जो अगर आपको इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप ये यूज़ कीजिए, बट मैं इतने यूज़ नहीं करता हूँ। और उसके बाद आते हैं एयरबड्स। एयरबड्स मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ स्मॉल एरियाज़ के लिए, ये काफ़ी स्मूथ होते हैं और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग होती है, और काफ़ी ईजिली आपको मिल भी जाएंगे। और काफ़ी आप देख सकते हैं इनमें यहाँ पर कितनी स्मूथली ब्रांडिंग हुई है, और बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल कंबाइन हो गए आपस में शेड डिफरेंस, और कितने अच्छे हुए हैं इसमें। और आपको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता, हल्के सा आप ऐसे करें। और एयर ब्लेंडिंग स्टम्प्स में क्या होता है, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो जाए तो वो अलग से लाइन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हुआ है और यहाँ पर लाइंस अलग से दिख रही हैं। उसके बाद आते हैं ब्रशेस, ये काफ़ी अच्छे हैं और मैंने काफ़ी यूज़ भी किया। आप अगर मेरी वीडियोज़ देखी होंगे तो ये ब्रशेज़ मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ।
बेसिकली मैं स्मॉल एरियाज में यूज़ नहीं करता, लार्ज एरिया में जैसे फेस हो गया या हेयर हो गए उनके में ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये, और ये काफ़ी अच्छी हैं। अब लास्ट आता है कॉटन, ये मेरा सबसे पसंदीदा मनपसंद है क्योंकि इससे काफ़ी स्मूथ शेडिंग करता है, और मैं बेसिकली ये कॉटन फेस में ही यूज़ करता हूँ, लार्ज एरियाज़ के लिए यूज़ करता हूँ। स्मॉल एरिया में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि हाथ पे लेना है, पर ये आपका वहाँ पे यूज़ होता है और ये काफ़ी अच्छा है, और ये लार्ज एरिया काफ़ी अच्छे से और इजीली अवेलेबल है, और कैसे है चारों काफ़ी अच्छे हैं और यूज़ करते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो यूज़ कीजिए। मैं बेसिकली एयरबड और कॉटन ज़्यादा यूज़ करता हूँ और काफ़ी स्मूथ शेडिंग होती है इनसे। आप चाहे तो एयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्टेम्स का यूज़ करते हैं, चारों अच्छे हैं, बट मेरे को कॉटन और एयरबड ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये काफ़ी अच्छे स्मूदिंग शेडिंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन काफ़ी अच्छे से कॉटन ने कंबाइन कर दिया कलर को, और एयरबड का भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे हुआ है। ब्रश का आप देखते हैं कहीं कहीं पे क्या होता है, ब्रश से आप जब शेडिंग करिए करें तो कहीं कहीं पे ना जहाँ लाइन आपकी ड्रॉ नहीं हुई होगी, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ कर बीवी में जो गैप्स हैं वहाँ पर जब मैं शेडिंग करूँगा वो अच्छे से शेड ब्लेंड नहीं होंगे, उस वो एरिया आपको लाइट ही दिखेगा। बट जहाँ जहाँ आप कॉटन की बात करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर गैप भी है तो कॉटन पे वो नहीं दिखता, वो पूरा ब्लेंड कर देता है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से ग्रेफाइट को ये फैलाता है और काफ़ी काफ़ी अच्छा है। इसलिए कॉटन लार्ज एरियाज में आप यूज़ कर सकते हैं, एयरबड स्मॉल एरियाज में। मैं बताता हूँ कॉटन लार्ज में, एयरबड स्मॉल में, बाकी एयरबड्स आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं लार्ज में भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेड्स में आते डिफरेंट नंबर में आते हैं ये स्मॉल बिग। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ा एक और है, ये देखिए ये भी आप यूज़ करते हैं एयरबड स्मॉल में। ब्रशेज़ भी आपके पास दोनों टाइप के आते हैं, लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी है, बट बेसिकली मुझे कॉटन और एयरबड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।